Assalamualaikum students and viewers, I am back with another video. So आज हम अपना नया chapter number 2 measurements start करने जा रहे हैं physics का. तो ये chapter importance रखता है base की तरह, जैसे हमारी base है, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आगे हमारे बहुत काम आने वाली है. तो हमारा पहला जो उसमें topic है वो है measurements. तो मेजरमेंट की डेफिनेशन है द नंबर विच गिव्स क्वांटिटी ऑफ सम सब्सटेंस. हम डेफिनेशन की तरफ बाद में आते हैं, पहले मैं बताता हूँ कि मेजरमेंट एक वो कॉमन प्रैक्टिस है जो हम अपने दिन में सुबह से लेकर रात तक कई मरतबा करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सब्ज़ी ख़रीदने जाना, तो वहाँ पे भी हम मेजर करके ही लेते हैं ऑब्वियसली सब्ज़ियाँ वगैरह. तो ये एक ऐसा काम है, मेजरमेंट एक ऐसी कॉमन प्रैक्टिस है जो हम दिन में कई मरतबा करते हैं. तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है ये. तो अगर डेफिनेशन की तरफ चलें तो डेफिनेशन कहती है द नंबर विच गिव्स क्वांटिटी ऑफ सम सब्सटेंस. वो नंबर जो किसी चीज़ की तादाद को बताए वो मेजरमेंट है. फॉर एग्जांपल मेजरिंग ऑफ टाइम. जैसे किसी भी काम की हमने ड्यूरेशन मेजर की हो, जैसे कि मुझे एक दिन में 2 घंटे पढ़ना है, तो उस 2 घंटे को 2 आवर्स वो एक मेजरमेंट है कि मुझे 2 घंटे तक पढ़ना है. ये 2 घंटे स्पेसिफिक टाइम है जो हमने खुद मेजर किया है कि मुझे 2 घंटे तक पढ़ना है. तो ये इसकी एग्जांपल हो गई कि मेजरमेंट वो नंबर है जो किसी भी क्वांटिटी, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करें. सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट. तो नंबर 2 इज यूनिट. यूनिट की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं. द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट. अच्छा, तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने ना वो यूनिट के बारे में एक हिस्ट्री देखी थी. मैं आप तक शेयर करूँगा वो कि एक वक्त था जब लोगों ने यूनिट के तौर पे ऑरेंजेस को भी यूज़ किया था. कि मेरा घर, तो जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको. जैसे कि ये मेरा कॉलेज या फिर मेरा स्कूल है, सही है, लोकेशन ए, सही, और ये मेरा घर है. अब मुझे किसी को बताना होगा कि मेरे घर से लेकर कॉलेज या स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल 1000 oranges के बराबर, oranges के इक्वल 1000 oranges. अब oranges आप लेने मार्केट में जाएंगे तो आपको एक ही साइज़ के तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे ना. कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई दरमियाने साइज़ का होगा, कोई बहुत ही बड़ा होगा. तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो ये बहुत कम टाइम तक चला लेकिन लोगों ने इसे यूज़ किया था. अब मुझे नहीं पता ये बात कंफर्म है या नहीं, लेकिन मैंने एक वीडियो में देखा था, ऑथेंटिक टीचर की थी, मतलब बहुत अच्छा चैनल था वो भी, तो बहुत अच्छी तरह उसने समझाया था. अच्छा, उसी टाइम के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जो किंग होता था किसी शहर का किंग, उसके फुट, उसके एक पाँव की मेजरमेंट ली गई थी और फिर उसके हिसाब से लोगों ने डिस्टेंस बताना शुरू कर दिया गया था कि इस लोकेशन से इस लोकेशन तक का डिस्टेंस किंग के 90 फुट्स के बराबर है. अब लोगों ने ये काम किया लेकिन वो भी कितने टाइम तक कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे कहीं गलत मेजर हो जाता किंग का पाँव वगैरह, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती. तो अब जो आगे हम मॉडर्न की तरफ आए तो फिज़िक्स ने, काफ़ी तरह के साइंटिस्ट वगैरह ने अब यूनिट्स बना ली हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मास का यूनिट है किलोग्राम, मास का यूनिट है किलोग्राम. अब कुछ हमें बताना होता है कि मेरे घर से लेकर कॉलेज या कोचिंग तक का डिस्टेंस कितने मीटर है या किलोमीटर है, जैसे 1 किलोमीटर. अब डिफरेंट यूनिट बन चुके हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं. ये नहीं कि एक जगह पे कुछ और हो रहा है, एक जगह ऑरेंजेस से इस क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है और एक जगह किलोमीटर यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है. पूरी दुनिया में ऐसा यूनिट के तौर पर एक ही यूनिट अब यूज़ किया जाता है. तो यूनिट क्लियर हो गया हमें.
कि वो स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं यूनिट। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर 3, फिजिकल क्वांटिटी। ये मैं वर्बली बता देता हूँ, एनी मेजरमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी मेजरमेंट जो कि मैटर की हो या एनर्जी की, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। मैं बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में कि मैटर क्या होता है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरे या उसका कोई मास हो वो मैटर है, और एनर्जी वो है कैपेबिलिटी है, वो सलाहियत है कोई काम करने की, उसे कहते हैं एनर्जी। तो इनकी मेजरमेंट को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी 9 टाइप्स की होती हैं, मैं बता देता हूँ। वो है मास, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, करंट, वेलोसिटी, डेंसिटी, हीट, लेंथ और फोर्स। सही, अब ये बात क्लियर हो गई कि फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट है मैटर या फिर एनर्जी की, मैटर या फिर एनर्जी की। क्लियर हो गई ये बात। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है बेसिक क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज। नंबर 4, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ, तो बेसिक क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन है वो भी मैं नोट कर देता हूँ। दोस क्वांटिटीज which were being measured long before physics development. हाँ, तो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो ये है, दोज क्वांटिटीज़ विच वर बीइंग मेजर्ड लॉन्ग बिफोर द फिजिक्स डेवलपमेंट। जो फिजिक्स की डेवलपमेंट से भी पहले जो क्वांटिटीज़ मेजर की जाती थी, ऑब्वियसली जब फिजिक्स नहीं हुआ करती थी तब भी लोग मास को मेजर करते होंगे, लेंथ को मेजर करते होंगे, वक्त उस वक्त भी हुआ करता होगा ऑब्वियसली। तो इन सब चीज़ों की मेजरमेंट तब भी होती थी और ये बेसिक और फंडामेंटल हैं। जब फिजिक्स आई तो उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज आई, उस पर उस टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। लेकिन इसकी एग्जांपल्स, और ये एक ना फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं है। सही, एग्जांपल मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, वो है इसकी 7 एग्जांपल्स हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, इन सबको डिफाइन करते हैं। मास, मास किसी भी चीज़ के वजन को कहते हैं। मास नॉर्मली हर चीज़ का ही होता है, जो भी चीज़ सामने हमें नज़र आ रही है उसका मास है। और नेक्स्ट की तरफ लेंथ, लेंथ किसी भी जगह को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट टाइम, टाइम की ड्यूरेशन नोट होती है ऑब्वियसली कि इतना वक्त बताया जाता है टाइम के ज़रिए। और नेक्स्ट टेम्परेचर के आसपास हमारी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है, या फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। और करंट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का होता है। और अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की तादाद को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज में रखा जाता था। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की वेवलेंथ की कितनी पावर है उसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन जो है वो है, दोज क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। अच्छा, बेसिक क्वांटिटीज मैंने आपको बता दी 7 है, टाइम और मास, लेंथ,
टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंट करंट वगैरह, ये सब बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो तब ऑप्टेन होती है जब हम इन सात में किसी को डिवाइड या किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें डिफरेंट तरह की होती हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके जब कोई क्वांटिटी ऑप्टेन की जाती है उसे कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम स्पीड की। स्पीड आप आगे सबकी डेफिनेशंस प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। स्पीड ड्राइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन इसे कैसे ऑप्टेन किया जाता है? स्पीड की डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस लेंथ है ऑब्वियसली, लेंथ पर टाइम। मैंने जैसे कि बताया था बेसिक क्वांटिटीज़ में लेंथ भी आता है टाइम भी आता है, इन्हें हमने डिवाइड किया तो स्पीड आ गई। और ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन जैसे कि है दोज क्वांटिटीज़ विच आर ऑप्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवीजन ऑफ एनी टू बेसिक क्वांटिटीज़ और थ्री और फोर जितनी भी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद ही ड्राइव क्वांटिटीज़ आती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दी, लेकिन आप सब ड्राइव क्वांटिटीज़ की प्रॉपर डेफिनेशंस पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ, ड्राइव क्वांटिटीज़ की सारी एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ये भी टोटल सेवन ही है। नंबर वन पे आता है वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज। सही है, ये सब है ड्राइव क्वांटिटीज। सही है, ये सब ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, इनकी आप डेफिनेशंस आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह मिलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो SI यूनिट होते हैं उनके साथ इंशाल्लाह हम मिलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपने जो लेक्चर्स हैं इन्हें रिवाइज करते रहें और इन्हें अपने माइंड में बिठा लें और क्लियर कर लें। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है और सवाल पूछिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इसकी नीड हो, और लाइक द वीडियो प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।